लोहरदगा के जंगलों में आग का दायरा बढ़ता जा रहा है। वन विभाग इसे बुझाने में असहाय और नाकाम साबित हो रहा है। जिले के कुड़ू सेन्हा से लेकर पेशरार तक के जंगल दहक रहे हैं। पेशरार की खूबसूरत वादियां दावानल बनी हुई हैं। सड़क के दोनों ओर पेड़ झुलस गए हैं, झाड़ियां खाक हो गई हैं। 24 घंटे जंगल दहक रहा है। आग इतनी भयावह है कि इसे बुझाना बेहद मुश्किल लग रहा है। दरअसल इस आग के पीछे की वजह है महुआ। महुआ चुनने के लिए लोग जंगल की जमीन साफ करने के मकसद से खरपतवार में आग लगा देती हैं। हवा में आग तेजी से फैलती है और जंगल का बड़ा हिस्सा जला डालती है। प्रत्येक गांव में जो जंगल से सटे हुए हैं, जाकर मीटिंग वगैरह अरेंज कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, खासकर वैसे लोगों को जो महुआ चुनने का काम करते हैं। अभी का जो समय है, उस सिर्फ अधिकांश देखा जा रहा है कि महुआ चुनने के लिए ग्रामीण आग का सहारा लेते हैं, और अब तो बड़े बड़े छोड़ के छोटे छोटे बच्चों को यूज़ करते हैं। उसी घर के छोटे बच्चे पॉकेट में माचिस लेके जाके कहीं पर भी आग लगा देते हैं। उसका फल ये होता है कि पूरा जंगल आग आग हो जाता है। ऐसे तो फिर मदद हम लोग गांव वाले लोगों से ही लेते हैं बुझाने के लिए, खुद हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आग गर्मी के दिनों में हवा के कारण उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसको फिर से सॉर्ट आउट करने। विभाग की ओर से अब तक आग बुझाने का ठोस प्रयास नहीं दिखा है। हालांकि कुछ जागरूक और पर्यावरण प्रेमी ग्रामीण जंगलों को बचाने में जुटे हुए हैं। कुड़ू वन क्षेत्र के सलगी और बड़की चापी पंचायत के कई गांव के जंगलों में आग देखा गया। इस बाबत बड़की चापी वन समिति के अध्यक्ष भूषण प्रसाद ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जंगलों में आग लगना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। गर्मी के मौसम में तेज हवा चलने से कई गांव जलकर खाक हो सकते हैं। ग्रामीणों के द्वारा थोड़े से फायदे को लेकर आग का लगाया जाना काफी नुकसानदायक है। उन्होंने ग्रामीणों से जंगल में आग नहीं लगाने की अपील की है। साथ ही लगी आग को बुझाने के लिए वन समिति के साथ साथ ग्रामीणों को आगे बढ़कर पहल करने को कहा है। देखिए, जंगलों में जो आग लगी हुई है, कई जगह पे ये सूचना मिल रही है कि आग लग रही है, तो इसमें जो वन विभाग है, तो DFO साहब के नेतृत्व में जो है इसको देखा जा रहा है कि कारण क्या है। अगर जानबूझ के कहीं आग लगाई जा रही है तो इस पर कार्रवाई भी होगी, और अगर कोई अन्य कारण है तो उससे भी उसको भी उस तरह से देखा जाएगा। साथ ही साथ में जो आग जो लगी हुई है उसको बुझाने के लिए हमारे पास जो दमकल है उसको हाई अलर्ट में रहने की सूचनाएँ दे दी जा चुकी हैं। लोहरदगा वन प्रमंडल के बनारी और कुड़ू रेंज के गांव से वन विभाग ने जागरूकता को लेकर मुहिम शुरू की है। नुक्कड़ नाटक के जरिए ग्रामीणों को जंगल में लगाए जाने वाले आग से हो रहे नुकसान से अवगत कराया जा रहा है। वन प्रमंडल अधिकारी अरविंद कुमार ने लोगों से कहा कि जंगलों में आग लगने की वजह से गर्मी पैदा होती है, उसकी वजह से जीव जंतुओं के निवास स्थान बर्बाद हो जाती है, मिट्टी की गुणवत्ता खत्म हो जाती है, उनके जैविक मिश्रण में बदलाव आ जाता है। थोड़े से फायदे के लिए हम वर्तमान और भविष्य का बड़ा नुकसान कर रहे हैं, इससे बचना होगा। DFO ने पूरे वन क्षेत्र के ग्रामीणों को जागरूक करने की बात कही और जंगल में लगी आग बुझाने में सहयोग करने की अपील की। न्यूज विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम की रिपोर्ट।